नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं जीकेएम एलएमसी 8.4 रिलीज 13 के बारे में। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट किया है इस जीकेएम के साथ, एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है फोटो सैंपल को भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि हमने क्लिक किया है इस रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस जीकेएम के साथ जो किस तरह से एक्सएमएल फाइल को इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो जीकेएम है प्लस जो एक्सएमएल फाइल है दोनों का जो डाउनलोड लिंक रहेगा वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाके अब जीकेएम प्लस एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड करना होगा। दोनों फाइल को डाउनलोड करने के बाद जीकेएम को इंस्टॉल करना होगा। गूगल कैमरा को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर मोर सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें जाना होगा। मोर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो स्क्रॉल डाउन करना होगा, उसके बाद ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करना होगा। इस ऑप्शन में टैप करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सेव सेटिंग्स का जो ऑप्शन है देने को मिलेगा। सेव सेटिंग्स में टैप करने के बाद जो है उसके बाद यस में टैप करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में जो है एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके एक्सएमएल फाइल को सिंपली यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना होगा। थ्री डॉट में टैप करके यहाँ पर कॉपी और मूव कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो है कॉपी सिलेक्ट करके उसके बाद इंटरनल स्टोरेज में जाके यहाँ पर एलएमसी 8.4 करके फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना होगा। तो ये जो एक्सएमएल फाइल है इसे सिलेक्ट करने के बाद, कॉपी करने के बाद एलएमसी 8.4 करके जो फोल्डर क्रिएट होगा इस फोल्डर में जाके सिंपली पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको फिर से गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा, जीकेएम को ओपन करना होगा फिर से। गूगल कैमरा को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 4:3 सिलेक्ट करना होगा। 4:3 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल टैप करने के बाद कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। उसके बाद ये जो एरो का ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। इस एड में टैप करने के बाद यहाँ पर जो एक्सएमएल फाइल है उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पर टैप करना होगा। इंपोर्ट में टैप करते ही आपके डिवाइस के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली ये जो एक्सएमएल फाइल है इंपोर्ट हो जाएगा। इस एक्सएमएल फाइल के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलता है, यहाँ पर मैक्रो मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर मेन लेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर अल्टरनेट लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, पर एलडीआर मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से इस जीकेएम के साथ इस एक्सएमएल फाइल के साथ जो है यूजर इंटरफेस देने को मिलता है। ना पर बात कर लेते हैं पर जो फोटो सैंपल के बारे में। हमने यहाँ पर जो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ जो कुछ फोटो को क्लिक किया है, देखते किस तरह से पर जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ। तो यहाँ पर हमने इस जीकेएम के साथ जो कुछ इस तरह से सभी जो फोटो को क्लिक किया है, देखिए पर फोटो क्वालिटी जो है काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो एचडीआर मोड है, एचडीआर एनहांस मोड है, काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। यहाँ पर जो फोकस है प्लस जो ब्लर है काफी बढ़िया है, आपको काफी हद तक नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा, एक्यूरेट कलर देने को मिलता है, प्लस जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफी बढ़िया है, आपको यहाँ पर बेटर कलर विद बेटर ग्रेडिंग देने को मिलता है, प्लस जो शेडो एंड यहाँ पर कलर के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिलता है। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसे लगा आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। इस जीकेएम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस जीकेएम को प्लस एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर नाइट साइड मोड हो जाए, पोर्ट्रेट मोड हो जाए, यानी यहाँ पर कैमरा के साथ फोटो क्लिक करने के दौरान जो आप ऑटो वाइड बैलेंस को एनेबल कर सकते हो। ऑटो वाइड बैलेंस के साथ आपको यहाँ पर जो एक्यूरेट कलर देने को मिलेगा, प्लस इस जीकेएम के साथ जो काफी बढ़िया डीलिंग देने को मिल जाएगा, काफी हद तक जो है यहाँ पर एक्यूरेट कलर देने को मिलता है। यहाँ पर जो है मेन लेंस हो जाए, अल्ट्रावाइड लेंस हो जाए, प्लस यहाँ पर सेल्फी के साथ भी काफी कम नॉइज देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ इस एक्सएमएल फाइल के साथ आपके ऊपर लेस नॉइज देने को मिलता है, प्लस यहाँ पर जो है मैक्रो लेंस के साथ भी इंप्रूवमेंट देने को मिल गया है, एंड यहाँ पर वाइब्रेंट कलर देने को मिल जाएगा इस जीकेएम के साथ। बाकी आप ब्लर भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफी बढ़िया है, एंड यहाँ पर HDR एनहांस मोड की यूज करने के बाद आपको काफी बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो। एंड इस तरह से इस जीकेएम के साथ जो है इस सभी जो फीचर्स है इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। एंड इस जीकेएम का एज ए डेली ड्राइवर भी यूज कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं। यहाँ पर जो है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट प्लस सैचुरेशन के साथ जो काफी हद तक बैलेंस देने को मिलता है, देखिए पर काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल गया है इस जीकेएम के साथ। एंड यहाँ पर कोई भी ग्रीन टिंट का इशू देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर OIS
EIS का जो ऑप्शन से काम कर चुके, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं, प्लस पर लो लाइट फोटो को क्लिक करने के लिए ऑप्शन पर एस्ट्रोमोड यूज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। बाकी कुछ इस तरह से जीकैम के साथ जो फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, काफी बढ़िया। हमने यहाँ पर ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है इस जीकैम के साथ। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो, आपको काफी बढ़िया आपको यहाँ पर जो DSLR जैसा फोटो को क्लिक कर सकते हो इस जीकैम के साथ। जरूर से इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। यहाँ पर बात कर लेते फीचर्स के बारे में, तो ये जो जीकैम का जो बिल्ड है 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल के साथ भी काम कर जाएगा। तो अगर आप 108 मेगापिक्सल के साथ इस जीकैम को यूज करते हो तो आप जो ऑटो वाइड बैलेंस को डिसेबल कर सकते हो, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड अगर आपके डिवाइस के ऊपर स्लो मोशन का जो ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है, आप सिंपली यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा को यूज कर सकते हो। एंड अगर आप 64 मेगापिक्सल को यूज करते हो, आप सिंपली ऑटो वाइड बैलेंस को यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर नया वाला जो मोड है ऐड किया गया है, यहाँ पर इस जीकैम के साथ इस XML फाइल के साथ आपको यहाँ पर जो ब्राइटर फोटो देने को मिल जाएगा एंड कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है इस जीकैम के साथ। तो आप डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई करके देखो। प्लस यहाँ पर जो नाइट साइड मोड के साथ भी आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जो ऑटो एड बैलेंस भी काम कर जाएगा, यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है फुल HD 30 FPS फुल HD 60 FPS भी काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है काम करता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड को ऐड किया गया है, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो ऑटो नाइट साइड मोड काम कर जाएगा, फेस रिटचिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा पोर्ट्रेट मोड के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर फेस रिटचिंग, ऑटो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, पर लाइट पेंटिंग मोड का ऑप्शन है यहाँ पर जो है इस जीकैम के साथ। एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ जो ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है। फोकस के ऊपर ऑटो, नियर, फार, इन्फिनिटी, इस तरह से पर जो मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है पर पैनोरामा एंड फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आप गूगल कैमरा के साथ जो 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो, ये जो फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पैनोरामा का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पैनोरामा के साथ जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम करता है। यहाँ पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर जो 10x तक जूम का ऑप्शन है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है 10x तक जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है इस ऑप्शन के साथ जो है ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट कर सकते हो, पर ऑटो फोकस को लॉक करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। इस तरह से सभी जो फीचर्स है अवेलेबल है। नाउ यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डार्क मोड इसे बंद करते हैं, तो यहाँ पर डार्क मोड को बंद करने के लिए इस ऑप्शन में जाना होगा। इस ऑप्शन में जाने के बाद जो है यहाँ पर UI थीम के ऊपर जो डार्क मोड का जो ऑप्शन है उसे आप सिंपली ऑटो में सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको जीकैम को रीसेट करना होगा। जीकैम को रीसेट करने के बाद जो डार्क मोड का जो ऑप्शन है बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से सभी ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले पर बात कर लेते हैं पर जो डेवलपर सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर जो डेवलपर सेटिंग्स को ऐड किया गया है। डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप जो नए नए फीचर्स को एनेबल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो 4K 60 FPS का ऑप्शन है, फुल HD 60 FPS का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। तो यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स के साथ नए नए फीचर्स को एनेबल कर सकते हो, पर एडिशनल कैमरा का ऑप्शन है, पर जो है मेन लेंस, टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रावाइड लेंस, मैक्रो लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वीडियो के ऊपर जो है 60 FPS का ऑप्शन है, 4K 60 FPS का ऑप्शन है, प्लस वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर ऑडियो जूम का ऑप्शन है। ऑडियो जूम का जो ऑप्शन इसे एनेबल करने के बाद जो है वीडियो में जूम करने के बाद बैकग्राउंड में जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। वीडियो के ऊपर बिटरेट को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आप वीडियो के ऊपर बिटरेट को इंक्रीज करके तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है सेव लोकेशन, कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, गोल्डनेस को सजेशन ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, गेस्ट्स का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है, डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, मैनुअल कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पर सेव सेल्फीज एज प्रीव्यू का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है HDR कंट्रोल, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, HEVC फॉर्मेट के साथ आप जो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर एनेबल किपलर मोड का ऑप्शन है, टाइमर लाइट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ से आप जो है XML फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर जो है रॉ फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है V-Finder फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पर इंटरफेस मॉडल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर HDR मॉडल का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4, पिक्सल 5, पिक्सल 6 प्रो का जो यूजर इंटरफेस है यहाँ से आप जो एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। पर ब्राइट लाइट फिक्स का ऑप्शन है, HDR रॉ फिक्स का ऑप्शन है, प्लस एक्जिनोस फिक्स का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर फोकस
रिसेट टाइम का ऑप्शन है, एचडीआर फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप एचडीआर फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो बच्चे फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। जीपीजी क्वालिटी का ऑप्शन है, मैक्सिमम जूम का जो ऑप्शन है उसे भी अगर आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर जो है 300x 200x का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑटो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, डार्क मोड का ऑप्शन है, DCI P3 कलर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, OIS का ऑप्शन है, प्लस डिजिबल हेक्साकोन DSP का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस तरह से इसे भी ऑप्शन है। पर फोटो प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर प्रोसेसिंग फंक्शन के ऊपर जो व्यू फाइंडर सेटिंग्स का ऑप्शन है, LDR मोड, लाइका मोड, प्रो मोड, लिप पैचर, अपस्कलिंग, फोटोस का ऑप्शन है, OIS, फोकस ट्रैकिंग, फोकस स्लाइडर, ISO स्लाइडर का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस बटन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, अपस्कलिंग फोटो का ऑप्शन है, नॉइस मॉडल, ऑटो वाइड बैलेंस, फोकस स्लाइडर, नाइट मोड, फोकस एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो इस तरह से इस भी जो फीचर से ऐड किया गया है, डेफिनेटली इस जगह को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।